हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा कंप्यूटर सर्कल। सर्कल की कमांड लाइन है सी इंटर। हमने कीबोर्ड से प्रेस किया सी इंटर। आपका यहाँ पे कर्सर में ऑप्शन शो कर रहा है और आपकी कमांड लाइन में भी आपका ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। और यहाँ पे आपका कर्सर में पोजीशन आपकी शो कर रही है कोऑर्डिनेट की, चाहे अपना सर्किल का पॉइंट सेंटर पॉइंट आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से दीजिए, और चाहे अपना आप फ्री हैंड माउस से भी वर्क स्पेस में किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया फ्री हैंड किसी भी पॉइंट पे वर्क स्पेस पे, तो हमारा पॉइंट आपका क्रिएट हो गया सर्किल का। अब इसके बाद ऑप्शन आपका रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे रेडियस हमने इसमें इनपुट कर दी 10 mm। तो इस तरह से हमारा एक सर्किल क्रिएट होता है जहाँ पे आपने इसमें 10 mm की रेडियस इनपुट करी सर्किल में और आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया सर्किल। यहाँ जब हम कमांड लाइन से सर्किल क्रिएट करते हैं सी इंटर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है 3-point circle, 2-point circle और 10-10 radius। किसी भी पॉइंट पे जब हम फिर क्लिक कर देते हैं तब यहाँ पे ऑप्शन आपका शो करता है रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। यही सेम ऑप्शन आप अपना जो सेलेक्ट करते हैं कमांड लाइन से भी एक्टिवेट करते हैं, और सेम यही ऑप्शन आप अपना जब माउस की राइट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन शो कर रहा है डायमीटर। हमने सर्किल लिया, राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 3P, 2P और 10-10 रेडियस आपका ऑप्शन शो कर रहा है। आपका वर्क स्पेस में ड्राफ्टिंग एनोटेशन में होम टैब में ये आपका सर्किल ऑप्शन यहाँ पे शो करता है। इसके एरो पे हमने बॉटम साइड में छोटा सा एरो बना हुआ, इस पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपके पास सर्किल के ऑप्शन यहाँ पे 6 ऑप्शन आपका शो कर रहा है, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 point, 3 point, 10-10 radius और 10-10-10, triple 10। इसमें कमांड लाइन से और आपके कर्सर को जब हम राइट क्लिक करते हैं तब हमारा कमांड से जो हम सर्किल लेते हैं सी इंटर, तब आपके सिर्फ 5 ऑप्शन एक्टिवेट होते हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 point, 3 point, 10-10 radius। और जब हम अपना ड्राफ्टिंग एनोटेशन के होम टैब में सर्किल वाले ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो होता है 10-10-10 लास्ट 6 ऑप्शन, ये आपका सिर्फ पैनल से एक्टिवेट होता है ड्राफ्टिंग एनोटेशन में होम टैब के सर्किल वाले ऑप्शन, ये आपका सिर्फ यहीं से आपको ऑप्शन एक्टिवेट होगा, यहाँ से ये आपका कमांड लाइन से एक्टिवेट नहीं होता है 10-10-10। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम एक्टिवेट करते हैं सेंटर रेडियस, हमने सेलेक्ट किया, कमांड लाइन में आपका ऑप्शन शो कर रहा है सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल, हमने फर्स्ट पॉइंट दे दिया कहीं पे भी, और इसमें रेडियस इनपुट हमने दे दी 10 mm की, इंटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट सेंटर रेडियस का क्रिएट हुआ। फिर हमने सर्किल वाले ऑप्शन के एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे सेंटर डायमीटर ऑप्शन पे क्लिक किया, किसी भी पॉइंट पर वर्क स्पेस पर हमने क्लिक किया, और अब की बार यहाँ पे ऑप्शन आपका आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। आगे आपका कमांड में ऑप्शन शो कर रहा है स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, तो यहाँ पे आपने इनपुट कर दिया 10 mm, इंटर। 10 mm का आपने रेडियस इस सर्किल में इनपुट किया और 10 mm का डायमीटर का जो डेटा है आपने इस सर्किल वाले ऑब्जेक्ट में इनपुट किया, तो ये ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड वाला सर्किल ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट के जस्ट हाफ आपका क्रिएट हुआ है। लेकिन दोनों में आपका जो वैल्यू आपने इनपुट की थी 10-10 mm की थी, लेकिन ये आपका रेडियस में था और ये आपका डायमीटर में था। डिलीट। इसके बाद हमने एक लाइन ली और वर्क स्पेस में किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर दिया
और एक 20 mm की लाइन क्रिएट करी। सर्किल वाले ऑप्शन पे गए हम, थर्ड ऑप्शन टू पॉइंट सर्किल पे हमने क्लिक किया, लाइन के स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक किया, तो इस तरह से आपका टू पॉइंट सर्किल ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया और आपका एक सर्किल क्रिएट हो गया। फिर से हमने लिया यही टू पॉइंट सर्किल ऑप्शन अपना और वर्क स्पेस पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए कि येलो कलर की लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है और उसमें आपको पर्टिकुलर एंगल भी आपका शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इस जो भी लाइन की अगर लेंथ आप देना चाहते हैं, आपने दे दिया 12 mm की लेंथ दे दी और एंगल दे दिया टैप की प्रेस करके 45 डिग्री, इंटर। तो जैसे आप सिंपल अपनी लाइन क्रिएट करते हैं, करते समय लाइन में लेंथ और एंगल देते हैं, पॉली लाइन में क्रिएट करते समय लाइन को लेंथ और एंगल आप देते हैं, सेम उसी तरह इस सर्किल के टू पॉइंट सर्किल में आपका ऑप्शन आता है सेम उसी लाइन की तरह लेंथ और एंगल। तो आप यहाँ पे जो भी लेंथ और एंगल आप देंगे आप एज ए डायमीटर की तरह वो आपका ऑब्जेक्ट उसी फॉर्म में क्रिएट होगा, लेकिन टू पॉइंट सर्किल ये आपका है। इसमें आपका जो लाइन वाला ऑब्जेक्ट है वो सर्किल, आपकी जो लाइन है वो सर्किल के अंदर ही रहेगी आपकी, ये इस तरह से। इसके बाद इस लाइन के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन क्रिएट करी, नेक्स्ट ऑप्शन थ्री पॉइंट सर्किल हमने लिया इस लाइन के स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया, फिर जो भी 10 mm की लाइन हमने क्रिएट किया था उसके इस इन पॉइंट पे और बॉटम वाली लाइन के इन पॉइंट पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये ऑप्शन आपका कहलाता है थ्री पॉइंट सर्किल। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसके जिस भी हम स्टार्ट मिड एंड एंड पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो जिसको हम बेस मानते हैं उसका स्टार्ट मिड और एंड पॉइंट हम देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका उस सर्किल के अंदर ही रहेगा। ये नहीं कि आपका वो ऑब्जेक्ट उस सर्किल के बाहर क्रिएट होके उसका सर्किल के बाहर से आपका क्रिएट हो जाए, नथिंग। तो ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से क्रिएट होगा थ्री पॉइंट सर्किल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका है 10-10 रेडियस, इसको हमने लिया। आपकी कमांड लाइन में ऑप्शन आपका आ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्किल। यहाँ पे आपके जो ये लाइन शो कर रही है, हमने इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को अपना फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट ऑफ सर्किल हमने दे दिया। इसके बाद आपका ऑप्शन आ रहा है आपके कमांड लाइन में स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड टेंजेंट ऑफ सर्किल। तो हमने यहाँ पे इस लाइन का इस पॉइंट पे दे दिया सेकेंड टेंजेंट। फिर आपका ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, तो हमने यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो हमने फर्स्ट टेंजेंट का पॉइंट दिया था फिर सेकेंड इस लाइन पे दिया था, यहाँ पे इन दोनों लाइनों के जस्ट मिड पॉइंट वाले ऑप्शन पे आप अपना कर्सर ले गए और उस पॉइंट पे आपने क्लिक कर दिया और कर्सर उन दोनों के बीचों बीच से आपको इस तरह से एक लाइन आगे करेंगे आप ड्रैग करके, तो येलो कलर की लाइन आपको रिप्रेजेंट होगी और यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको रेडियस देना है। यहाँ पे आपने दे दिया 5 mm की रेडियस, इंटर। तो आपका एक सर्किल जैसा एक ऑब्जेक्ट इस तरह से क्रिएट हो गया जो दोनों लाइनों से टच होता हुआ क्रिएट हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट होता है 10-10 रेडियस से। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका जो है 10-10 वाला, जो कि सिर्फ आपका यहाँ पे 10-10 यहीं से आपका एक्टिवेट होगा, ये आपका कमांड लाइन से एक्टिवेट नहीं होगा। इसको देखने के लिए हमने एक लाइन ली और इस लाइन के स्टार्ट पॉइंट को इस लाइन के इन पॉइंट से अटैच हमने करा दिया। इस तरह से एक ट्राइंगल आपका एक ऑब्जेक्ट जैसा शेप आपको दिख रहा है।
हमने यहाँ पे 1010 ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपके कर्सर में आपका ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल टेंजेंट का, हमने इस पर ये दे दिया। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया हमने, और थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। जैसे हमने थर्ड पॉइंट दिया तो ये आपका एक सर्किल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि इन तीनों लाइनों से टच होता हुआ क्रिएट हुआ है, और उन तीनों लाइन के इंटरनल में क्रिएट हुआ, यानी कि उस ट्रायंगल शेप के ऑब्जेक्ट के बाहर वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नथिंग। फिर से देखिए, 1010 ऑप्शन, 1010, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरह का एक सर्किल क्रिएट हो गया। हमने लिया सी इंटर, जब हम कमांड लाइन से एक्टिवेट करते हैं सी इंटर, तब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन शो कर रहा है थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट सेलेक्ट किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थ्री पॉइंट सर्किल, स्पेस बार कमांड एक्टिवेट, टू पॉइंट पे सेलेक्ट किया कमांड लाइन की, फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह का ये टू पॉइंट सर्किल ऑप्शन आपका क्रिएट हुआ। स्पेस बार 10-10 रेडियस ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, फर्स्ट टेंजेंट इसको सेलेक्ट किया, सेकंड टेंजेंट इस सर्किल वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इन दोनों के बीचों बीच मिड पॉइंट हमने लाइन लेके कर्सर आगे किया, और यहाँ पे हमने 3 mm की रेडियस अपना सर्किल के हमने दे दिया। तो ये 3 mm की रेडियस का सर्किल इन दो सर्किल ऑब्जेक्ट के बीचों बीच से होता हुआ क्रिएट हुआ, जो कि दोनों ऑब्जेक्ट से आपका टच है आपका। फिर हमने स्पेस बार कमांड एक्टिवेट सर्किल की, और किसी भी पॉइंट पे वर्क स्पेस पर हमने फ्री हैंड क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल, आपको सर्किल की रेडियस देनी है, हमने यहाँ पे दे दिया 5 mm, इंटर, तो एक 5 mm की सर्किल का आपका ऑप्शन आपका क्रिएट हो गया। फिर स्पेस बार कमांड एक्टिवेट, और अब की बार हमने फिर वर्क स्पेस पर किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर दिया, और ये डायमीटर वाला ऑप्शन अपने यहाँ पे क्लिक कर लिया कमांड लाइन में, और आपने डायमीटर दिया इसमें 5 mm, एंटर, तो जस्ट उस सर्कल का इस वाले इस ऑब्जेक्ट का जस्ट ये हाफ आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि ये रेडियस थी 5 mm और ये आपका 5 mm डायमीटर ऑब्जेक्ट था, जिसको हम यहाँ अपना ऑप्शन से मेजर करते हैं रेडियस से। तो इसकी रेडियस आपको R5 रिप्रेजेंट कर रही है, और इस ऑब्जेक्ट को हम डायमीटर से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको 5 डायमीटर आपका शो कर रहा है। इंटर, राइट क्लिक, ये देखिए 3.2.10 रेडियस, वर्क स्पेस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, डायमीटर, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे आता है सर्किल का 5, इंटर, डिलीट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।